नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीसी न्यू गॉड्स के बारे में। तो जैसे कि हम सबको मालूम है कि वार्नर ब्रदर्स न्यू गॉड्स मूवी पे काम कर रहा है, जो फिलहाल अपनी प्री प्रोडक्शन स्टेज में है, और इसीलिए एक बार फिर न्यू गॉड्स काफी चर्चा में है। लेकिन काफी फैंस ऐसे भी हैं जो न्यू गॉड्स के बारे में बहुत कम जानते हैं, जबकि न्यू गॉड्स डीसी की सबसे फेमस कॉमिक बुक सीरीज में से एक है। हालांकि डीसी न्यू गॉड्स टॉपिक काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं इसे आपको ज्यादा से ज्यादा सिंपल करके समझाने की कोशिश करूंगा। तो क्या है वो, चलिए करते हैं इस बारे में डिटेल में बात। न्यू गॉड्स को क्रिएट किया था लेजेंडरी कॉमिक बुक राइटर जैक किर्बी ने। 1970s में डीसी न्यू गॉड्स को सिर्फ लिमिटेड सीरीज के तौर पर रिलीज किया गया था, जिनके नाम थे न्यू गॉड्स, फॉरएवर पीपल और मिस्टर मिरेकल। और जैसा मैंने आपको अभी बताया, शुरुआत में न्यू गॉड्स एक लिमिटेड सीरीज थी, लेकिन ये कैरेक्टर्स जल्दी ही फैन फेवरेट बन गए और सीरीज की पॉपुलैरिटी को देखते हुए डीसी ने इसे कंटिन्यू रखने को कहा। हालांकि कई बार ये बात भी सामने आई कि अगर जैक किर्बी को पहले मालूम होता कि इस सीरीज को इतना आगे तक ले जाया जाएगा, तो वो इसकी शुरुआत भी किसी और तरह से करते। डीसी न्यू गॉड्स हाईली पावरफुल बींग्स हैं जो फोर्थ वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, और ये फोर्थ वर्ल्ड नॉर्मल डीसी यूनिवर्स के एकदम बाहर है, और फोर्थ वर्ल्ड में सिर्फ एडवांस टेलीपोर्टेशन टेक्नोलॉजी यानी बूम ट्यूब से ही जाया जा सकता है। और जैसा आपको इनके नाम न्यू गॉड से ही पता चल रहा होगा कि ये नए भगवान हैं। न्यू गॉड्स क्लासिकल माइथोलॉजी गॉड्स जैसे ज्यूस, एरीज और हेडीज, जिन्हें डीसी यूनिवर्स में ओल्ड गॉड नाम से जाना जाता है, उनके बाद ही एग्जिस्टेंस में आए थे। खैर, ये अलग टॉपिक है जिसके बारे में एक अलग वीडियो में ही समझाना पड़ेगा। न्यू गॉड्स पहले अर्ग्रंग नाम के एक ही प्लेनेट पे रहते थे, लेकिन कई हजारों साल पहले इस प्लेनेट के दो हिस्से हो गए थे, जिनमें से एक है न्यू जेनेसिस और दूसरा है एपोकैलिप्स। हालांकि इन्हें ट्विन प्लेनेट्स कहा जाता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। न्यू जेनेसिस किसी स्वर्ग जैसा प्लेनेट है, जहां पहाड़, नदियां और हरी भरी धरती है, और न्यू जेनेसिस को हाई फादर रूल करता है। लेकिन एपोकैलिप्स ठीक इसके उल्टा है, मतलब ये बिल्कुल नर्क जैसा है, जहां बड़े बड़े आग के दरिया है और इसका एनवायरनमेंट रहने लायक बिल्कुल नहीं है, और एपोकैलिप्स को डार्क साइड रूल करता है। हालांकि जैसा मैंने अभी बताया, ये दोनों ही प्लेनेट कभी एक दूसरे का हिस्सा थे, लेकिन अलग होने के बाद से ही इन दोनों के बीच जंग छिड़ी हुई है, और ये जंग कई हजारों सालों से चलती आ रही है, और ये वॉर कई बार नॉर्मल डीसी यूनिवर्स को भी अफेक्ट करती है। न्यू जेनेसिस पे एक से एक वॉरियर्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जबकि एपोकैलिप्स पे भारी मात्रा या कहे कि अनलिमिटेड पैराडिमंस हैं, और एक छोटा लेकिन खतरनाक असैसिन्स का ग्रुप भी है जिसे फीमेल फरीज कहा जाता है। और एपोकैलिप्स के रूलर डार्क साइड का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो किसी तरह एंटी लाइफ इक्वेशन को सीख ले। और अगर आपने डीसी यूनिवर्स की एनिमेटेड सीरीज या कॉमिक्स पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि एंटी लाइफ इक्वेशन डीसी यूनिवर्स का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंटी लाइफ इक्वेशन एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, और जो इसे सीख लेगा वो पूरी यूनिवर्स को अपने कंट्रोल में कर सकता है। इसीलिए न्यू जेनेसिस के गॉड्स जस्टिस लीग के साथ मिलकर डार्क साइड के इस मकसद को पूरा होने से रोकने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं न्यू गॉड्स की पावर और एबिलिटीज के बारे में। हालांकि न्यू गॉड्स दिखने में हम इंसानों या कहे कि होमो सेपियंस जैसे ही हैं, लेकिन हमसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और फास्ट हैं, क्योंकि उनकी दुनिया यानी कि फोर्थ वर्ल्ड एक अननोन एनर्जी के सोर्स के पास है, और ये एनर्जी यूनिवर्स को बनाने वाली एनर्जीज में से एक है। इसी वजह से न्यू गॉड्स की पावर्स आम इंसानों से कहीं ज्यादा है। और अगर बात हो रही है न्यू गॉड्स की, तो न्यू गॉड्स के पास मदर बॉक्सेस का भी एक्सेस है। मदर बॉक्सेस को आप एडवांस सुपर कंप्यूटर्स भी कह सकते हो, और ये मदर बॉक्सेस काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। डीसी यूनिवर्स में मदर बॉक्सेस का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जैसा हमने बैटमैन वी सुपरमैन और जस्टिस लीग मूवी में भी देखा था। इसके अलावा न्यू गॉड्स लगभग इमॉर्टल्स हैं। न्यू गॉड्स की एज 30 साल के बाद रुक जाती है, इन पे समय का कोई असर नहीं पड़ता, और अगर ये किसी बैटल में ना जाए तो ये कई हजारों साल तक आसानी से जी सकते हैं। न्यू गॉड्स इनवल्नरेबिलिटी के मामले में भी हम इंसानों से कहीं ज्यादा आगे है। न्यू गॉड्स पर पंचेस, किक्स और किसी हथियार का असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर ऐसा अटैक कोई उनके बराबर का बींग करे तो उन पे असर पड़ता है। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो न्यू गॉड्स इनवल्नरेबिलिटी के मामले में अमेज़ोनियन जैसे हैं। न्यू गॉड्स के पास सुपर स्ट्रेंथ भी है, और जैसा मैंने आपको बताया कि न्यू गॉड्स भले ही दिखने में इंसानों जैसे हैं, लेकिन स्ट्रेंथ के मामले में वो हम इंसानों से कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। न्यू गॉड्स की सुपर स्ट्रेंथ का हिसाब हम इस बात से लगा सकते हैं कि वो हजारों टन वजन बड़ी आसानी से उठा सकते हैं। न्यू गॉड्स के पास सुपर स्टेमिना भी है, और न्यू गॉड्स के स्टेमिना का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि वो 48 घंटे तक बिना खाना खाए और रेस्ट किए कोई भी काम अपनी पीक एफिशिएंसी के साथ कर सकते हैं। न्यू गॉड्स के पास सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस भी हैं, क्योंकि इनका नर्वस सिस्टम हाईली डेवलप्ड है, और इसीलिए उनकी रिएक्शन स्पीड और हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन हम इंसानों से कहीं ज्यादा सुपीरियर है। उनका रिएक्शन टाइम इतना सुपीरियर है कि वो इजीली बुलेट्स को भी डॉज कर सकते हैं। इसके अलावा न्यू गॉड्स के पास सुपर ह्यूमन इम्यूनिटी है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि न्यू गॉड्स का नर्वस सिस्टम हाईली डेवलप्ड है, उसी तरह इनका इम्यून सिस्टम भी हाईली डेवलप्ड है, तभी इन पर बहुत सी जहरीली गैसेस और डिजीजेस का कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि डीसी यूनिवर्स में न्यू गॉड्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन फिर भी इनकी एक वीकनेस है, और न्यू गॉड्स की वीकनेस का नाम है रेडियन। हालांकि रेडियन का सोर्स क्या है इसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन इसका इफेक्ट काफी खतरनाक होता है। किसी एवरेज न्यू गॉड को रेडियन से बनाई गई किसी चीज जैसे बॉम्ब से इजीली मारा जा सकता है। हालांकि मिस्टर मिरेकल जो हायर लेवल का न्यू गॉड है, वो इस एनर्जी से दो बार बच चुका है। न्यू गॉड्स की लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन इनमें से कुछ के नाम है मार्क मून राइडर, स्टेपन वुल्फ, कैलीबैक, ओरायन, लाइट रे, डिसार्ड, मिस्टर मिरेकल,
हाई फादर, मेट्रॉन और डार्क साइड। तो ये थी कुछ फेमस और मोस्ट पावरफुल न्यू गॉड्स की लिस्ट, और हर कैरेक्टर को एक वीडियो में समझाना आसान नहीं होगा। तो आगे आने वाले टाइम में न्यू गॉड्स के हर एक कैरेक्टर पे आपको एक अलग वीडियो देखने को मिलेगी। और सबसे पहले कौन से न्यू गॉड पे आप वीडियो देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।